पूरा 4 साल हम लोग आपस में कंपटीशन करते आए हैं किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, और फाइनली एट द एंड आके हम दोनों की जो सीजी पे वो बराबर हो गई है, नहीं 3.88 और 3.88। तो आपको मेरे साथ अपनी सीजी पे शेयर करके कैसा लग रहा है? बाकी सबका कटेगा, सिग्नेचर करो अपना, मतलब बैठ गया ऐसे निकालना हूँ पहले। फातिमा बिन्त ताहिर। तो टाइटल सामने पढ़ लिया कि ब्लॉग किस बारे में हो रहा है, क्योंकि मैंने अपना पहला FYP का ग्रेजुएशन ब्लॉग भी डाला था, तो मैंने सोचा कि मैं उसका फाइल सबमिट कराने जा रही हूँ और क्लियरेंस का काम भी है, क्योंकि ना उसका भी ब्लॉग शूट किया जाए और थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताया जाए कि आपने भी पास आउट होना है जैसे हम हुए। और मेरे साथ अली भी है, दिखाइएगा जरा। ये है हमारी जो है FYP की फाइल्स, ये इस हार्ड कॉपी में हमने कितनी फाइल्स हैं, 4 है ना, 4 कॉपीज हमने जो है अपने सबमिट करानी है। अब आप देख लें, 1 महीना हो गया हम लोग को तकरीबन अपना FYP प्रेजेंटेशन दिए हुए, और अब कहीं जाके हम लोग इसको जो है सबमिट करा रहे हैं। इस तरह से मैं इसको खोल के दिखाती हूँ हमारी कितनी मेहनत लगी है, कितना पैसा लगा है इसके ऊपर, ये देखें। ये इस तरह आप अपनी FYP की फाइल को जो है वो करते होते हैं, कंटेंट्स, लिटरेचर रिव्यू, हाँ ये सर्वे था हमारा, ग्राफ बनाया, ग्राफ्स वगैरह, और इसकी प्रिंटिंग मेरे साथ 4 कॉपी से हमारा 3000 लगा ना। हाँ ये देखें ऐसे ऐसे। अब हम अपनी फाइल्स जो है मैम के पास सबमिट कराने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्लियरेंस के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह में जा रहे हैं, तो वो भी अली आपको साथ साथ बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें क्लियर करवानी है और कैसे कैसे करवानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं मैम के पास, फिर बाद में आपको हम ब्लॉग में लेकर आते हैं। क्या बताएं, अब हमने क्लियरेंस के लिए कहाँ कहाँ जाना है? पहले हमने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर करने थे, यानी हर एक जो डायरेक्टर है पर या फिर जो HOD कोई भी है बड़ा इंचार्ज है, बड़ा लाइब्रेरी इंचार्ज, लाइब्रेरी, इन सब से जाके हमने क्लियरेंस लेनी है सब। तो हमने अब तक 7 यानी हाँ 7 जो है पड़े वहाँ जगह से क्लियरेंस ले रही है, तो बाकी ये 5 पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से जाके लेनी है, उनमें से एक स्पोर्ट्स वाला है बड़ा, तो हम अब डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के पास जाएंगे जो हमें क्लियर कर दें ताकि हम इस यूनिवर्सिटी से आज़ाद हो सके। अली ने तो कल चले भी जाना है ना, आप लाहौर जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने आज हर हाल में क्लियरेंस करवानी है, और काफ़ी मेरी आधी क्लियरेंस तो इन्होंने कराई है, तो थैंक्स टू हिम। पहले मैं जरा इनको थैंक यू कह दूँ, इन्होंने जो है वो मेरी डिग्री भी वेरीफाई करवाई है और पैसे देने हाँ मैं लेकर आई हूँ, डिग्री भी इन्होंने मेरी वेरीफाई कराई है, भावलपुर गए हुए थे ये, तो मैंने इनको कह दिया, और दूसरा इन्होंने मेरे आधे जो है वो भी वेरीफाई करा दिए क्लियरेंस, 7 जो हमारे डिपार्टमेंट से वहाँ से क्लियरेंस हो चुकी है, तकरीबन 4 रह गए, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एलुमनाई इलेक्ट्रो स्पोर्ट्स जा रहे हैं। ओके, वो जिशान खड़े हैं, जिशान हाय करते हैं। अभी हम जो हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आए हैं, यहाँ पे देखो क्या होता है, थैंक यू सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा क्लियर हो गया। हम यहाँ पे जाएंगे, समझ में आ रही है? हाँ, क्लियरेंस में जाएंगे, हम देखेंगे अब HOD मैनेजमेंट साइंस, ठीक है, आपका रहता है अब डायरेक्टर ऑफ एल्यूमिनाई वाला, स्पोर्ट्स वाला हो गया, स्पोर्ट्स वाला दिखाएं, स्पोर्ट्स वाला कहाँ गया, ये ऊपर है, ये आपका हो गया, क्लियर हो गया, ये देखें। ओके अभी हम जो है वो कहाँ पे आए हुए हैं, सिविल डिपार्टमेंट आए हुए हैं डॉक्टर बख्त के पास, वहाँ से हमने एल्यूमिनाई की क्लियरेंस करा ली है, मेरी हो गई है, हालांकि इन्होंने कल कहा था लेकिन वो हुई नहीं,
नकी ने अभी वो होल्ड पे लिखा रहा है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं सर को, और बहुत बुरा हाल हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी हम चलते हैं। हमें सर ने बोला कि आप इस रजिस्टर के ऊपर अपना रोल नंबर और नाम लिख के चले जाएँ। हाँ ये देखें, ये कल अली का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अली अशरफ दुआर से, देंगे कल हो गई क्लियरेंस 22 सितंबर को, अभी यहाँ पे मेरा नाम लिखेंगे तो आज के दिन में फिर बाकी सबकी क्लियरेंस होगी। हमारा आधा काम तकरीबन हो गया, अब हम कैफे आए हुए हैं। अली की तो सारी क्लियरेंस हो गई है, अली की फुल हो गई है, इनका कार्ड भी वापस ले लिया गया है, मेरा भी 2-3 रहते हैं, और अभी हम जो है खाना खाएंगे क्योंकि लंच ब्रेक आ गया था, ऑफिस टाइमिंग में भी लंच ब्रेक था, तो फिर हमने कहा हम भी ज़रा लंच ब्रेक कर लेते हैं। सर तो अभी हम कैफे से वापस आए हैं, हमने थोड़ा सा खाना खा लिया, 2:30 भी बज गए हैं, तो ऑफिस जो टाइमिंग है वो दोबारा बहाल हो गई है। अभी हम वापस आए तो हमने देखा अली ने पहले मैं ओपन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। आपको कैसा फील हो रहा है अली? आपसे उन्होंने आपका कार्ड भी ले लिया, LMS भी ले लिया, यूनिवर्सिटी वालों ने पल में पराया कर दिया। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है, तो मैं गया ही नहीं हूँ पहले ही, नहीं मेरे काम ही छोड़ देना। मैं भी जा रही हूँ अपना LMS बंद करवाने, क्योंकि मेरा बस 2 डिपार्टमेंट्स में रहेगी क्लियरेंस वो करके, तो उन्होंने मेरा भी जो है वो LMS की एक्सेस मुझे ले लेनी है। एंड में रजिस्ट्रार रह जाता है और IT रह जाता है, ये 2 एंड में करने होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स क्लियर कराने के बाद आपको इन दोनों के पास जाना पड़ता है। तो अभी हम बुक शॉप से जो है वो लेंगे अपने ID कार्ड की कॉपी। आप लेकर आए, मैं रुकूँ? मैं रुकूँ यहीं पर? तो यहाँ से हमने अपनी ID कार्ड की कॉपी लेनी है, और उसके बाद जो है हम चलते हैं स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर। अभी हमने जो है वो फ़ी का वाउचर निकलवाया है, फैसिलिटेशन सेंटर के बाहर ही जो बैंक है उधर, उसको पे करना है। मेरा स्टूडेंट कार्ड गुमा हुआ था, तो मैंने स्टूडेंट कार्ड के भी वाउचर निकलवाया है, 200 रुपया, 200 वो भी पे करना है। तो एक मिनट मैं आपको बताऊँ, ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये पे करने के बाद जो है फिर हम SLHOD के पास जाएंगे, क्लियरेंस हमारी हो जाएगी, लेकिन फिर वो एप्लीकेशन देनी है SLHOD को फॉर वो फाइनल ट्रांसफर। यार आज हो गए जो है वो क्लियरेंस हो गई है, अब मैं अपना रोल नंबर एंटर करके देखती हूँ पासवर्ड एंटर करके। Yeah, your account is suspended by finance department. Please contact with finance department. Clearance हो गई, हो गई, हो गई। I'm sorry, साकिब बिलाल। क्या सॉरी, उनका काम था, वो आई नहीं, उन्हें तो घर बैठने की आदत है, तो घर बैठ के हो जाए काम। नीचे वाले दो जी ने लड़कों के मैंने किए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम लोग एज अ पायनियर स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं, तकरीबन हमारे आज क्लियरेंस थे, तो आप हमारे लिए कोई छोटा सा पैगाम देना चाहेंगे? हमारा पैगाम ये है कि जहाँ रहें मेहनत से काम करें, और इस इदारे के लिए अपने लिए नाम रोशन करें। बाकी हमारी दुआएं आप उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब रहेंगे, तो बाकी गाँव में याद रखिएगा आप भी, हम भी अपने। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हम एज अ पायनियर स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, तो आप हमें कोई छोटा सा पैगाम देना चाहेंगे? आप भी जी सर, ये कामयाब हो, आपको कामयाब करे, मेहनत से काम करे, सर भी मेहनत से काम किया, आपको रिवार्ड मिला, इसी तरह कॉर्पोरेट भी आप फील्ड में भी काम करेंगे तो आप बहुत रिवार्ड मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें स्टेपल हम कराने जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले अल्लाह हाफिज़ कहते, अल्लाह हाफिज़ कहते क्योंकि बस का टाइम हो रहा है, और मेरे ग्लासेस गुम हो गए यार। हाँ अली के ग्लासेस गुम हो गए, पता नहीं कहाँ रख के भूल गए। और अब ये कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा सकें कि FIP की क्लियरेंस किस तरह से होती है, और बाकी सारी चीज़ें क्या आपकी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। ओके दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड Keep supporting us. Who is he? एक तो फातिमा के बहुत सारे फैन यहाँ पे हर जगह पे मिल जाते हैं। वो भी क्या, और कह रहा है कि FBT, अच्छा कह रहा है भी नहीं FBT।
मैंने बोला था मुझे बहुत खुशी होती जब आप मुझे मेरे नाम मेरे उसे जानते हैं, एबीटी से मुझे जानते हैं। फिर कल ना आना पड़े। ओके ओके ठीक है, ओके ओके अल्लाह हाफिज़।